वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 4 सब लेक्चर। बच्चों आज मैं आपको हिंदी भाषा में पार्ट 4 शब्द विचार का पुनः रिवीजन कराने जा रही हूँ। इस पार्ट में जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो आप पीडीएफ के माध्यम से कर चुके हैं तथा मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। एक बार फिर से आप इस चैप्टर में जो इसकी डेफिनेशन वगैरह है, जो परिभाषाएं हैं, जो शब्दों का अर्थ है, शब्द क्या है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक बार फिर से आप सभी इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले बच्चों पार्ट का नाम क्या है, शब्द विचार। तो शब्द क्या है, तो सबसे पहले आप समझेंगे शब्द की परिभाषा को। एक या एक से अधिक वर्णों की से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है। ठीक है बच्चों, अब वर्णों के मेल से हिंदी भाषा में हजारों लाखों शब्द बने हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं। इस आधार पर शब्दों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वह कौन कौन से प्रकार है बच्चों? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला शब्द उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और शंकर शब्द। तत्सम शब्द क्या है? हमने हिंदी में जिन शब्दों को संस्कृत के उसी रूप में ग्रहण किया है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे माता पिता, पुत्र, रात्रि, दिवस, सूर्य, चंद्रमा आदि, ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसके बाद बच्चों तद्भव, तद्भव शब्द क्या है? हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो तत्सम शब्दों से विकृत अथवा परिवर्तित होकर बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि से रात, चंद्रमा से चांद, सूर्य से सूरज, पुत्र से पुत्र, पशुंगर से सांझ आदि। इसके बाद बच्चों देशज शब्द, देशज जैसा कि शब्द से ही अभिव्यक्त हो रहा है, देश में प्रयुक्त शब्द। तो क्या है? वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा या बोली के प्रभाव या आवश्यकता अनुसार बनकर नए रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं और भाषा के अंग बन गए हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटपट, दौड़ भाग आदि, ये क्या है? देशज शब्द है। इसके बाद बच्चों विदेशी शब्द, विदेशी शब्द क्या है? विदेशी जाति के संपर्क में आने अथवा उनके प्रभाव के कारण उनकी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे टिकट, रेल, मशीन, विमान, आदमी आदि, ये क्या है? विदेशी शब्द हैं। जो आप इससे फारसी से, तुर्की से, अरबी से जो ये शब्द लिए जाते हैं, सारे विदेशी भाषाएं हैं। इन भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। इसके बाद है शंकर शब्द। हिंदी के जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं उन्हें शंकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो दो भाषाओं के योग से बने शब्द शंकर शब्द। जैसे डाक खाना, बम भरसा, गौ घाट और रूप शोधन, तो क्या होते हैं? दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द अर्थात शंकर शब्द कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों रचना के आधार पर, तो रचना के अर्थात बनावट के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए
धरती आकाश कमल बेटा आदि, ये क्या है? रूढ़ शब्द है। इसके बाद बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उनके सार्थक का खंड नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे गौघाट, विद्यालय, छात्रावास, हिमालय आदि, ये कौन से शब्द है? यौगिक शब्द है। इसके बाद बच्चों यौग रूढ़ शब्द। यौग रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु उनका विशेष अर्थ ही मान्य है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, अर्थात बर्फ का घर। किंतु यह शब्द हिमालय नामक पर्वत के लिए ही प्रयोग होता है, प्रत्येक स्थान पर लगे बर्फ के ढेर के लिए नहीं। दूसरा उदाहरण दशानन, दस प्लस आनंद, अर्थात दस शेरों का समूह, परंतु ये किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए। तो इसमें भी विशेष अर्थ छुपा हुआ है। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वे शब्द? पहला अधिकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? परिवर्तन, अर्थात लिंग, वचन, काल आदि के प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है बच्चों? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, नीचे के सामने, आह वाह आदि। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नमका, टीरो, मदरण, तावे आदि, ये निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं है। और सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों को कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकान, रोटी, सूर्य, चंद्रमा, माँ बाप, बेटा आदि, ये क्या है? सार्थक शब्द है। इसके बाद बच्चों एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द क्या है? वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, वे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कागज, मेज आदि। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक शब्द है, इसके अनेक अर्थ है। जैसे अंक का संख्या, गोद, नाटक का भाग आदि। अब जैसे पात्र, पात्र का अर्थ क्या होता है? भूमिका निभाने वाला या बर्तन, ठीक है? क्या कहते हैं? इस फिल्म का पात्र ये है, तो क्या हुआ? जो भूमिका निभा रहा है वो भी एक पात्र है। और एक पात्र होता है बर्तन, जिसमें हम किसी वस्तु को रखते हैं, खाने की चीज वगैरह है, पूजा का चीज है, किसी बर्तन में रखते हैं, तो वो भी एक पात्र ही है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होना वो अनेकार्थी शब्द कहलाता है। इसके बाद बच्चों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? जिन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे ईश्वर का क्या होगा? भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। तो ये क्या है? एक ही, अर्थात भगवान को कई रूपों से जाना जाता है, कई उनके नाम होते हैं। जैसा कि आपने सुना, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर आदि, ठीक है? इसके बाद बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दुख, सुख, पाप, पुण्य, अच्छा,
बुरा, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अन्न और अन्य, अन्न का हो जाएगा खाने वाला अनाज और अन्य का अर्थ क्या होगा, दूसरा। देखिए जब हम और अन्न बोलेंगे तो दोनों सुनने में, अगर श्रुति श्रुति का अर्थ तो सुनना, सुनने में वह समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। तो ऐसे शब्द क्या होगा बच्चों, श्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे कोई एक पंक्ति हो और उसको एक शब्द में व्यक्त करें तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जिसकी तुलना ना की जा सके तो उसे एक शब्द में आप कह सकते हैं अतुलनीय। तो बच्चों ये क्या हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो मैं आशा करती हूँ यूनिट टेस्ट के दोनों चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग भली भांति इसमें ये चीज समझ लीजिए कि चैप्टर्स में जो भी मैंने डेफिनेशन वगैरह पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपने दी है, इसे बहुत ही शालीनता से बहुत अच्छी तरीके से समझ कर स्मरण करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, आपका दिन